हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक बनाइए। बीकॉम में जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये साइबर क्राइम का, और कई जगह तो ये पूरा का पूरा एक कोर्स में जो है एक सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका एक बेसिक टॉपिक आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके सब्जेक्ट में सिर्फ छोटा सा पार्ट के तौर पे इंक्लूड किया गया है तो इसमें आपका जो है 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से एक शॉर्ट नोट के तौर पे भी बन सकता है, और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बन सकता है 14 से 15 मार्क्स का, जिसमें साइबर क्राइम क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एंड वेन अगर आप ये जो है एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब तो इसकी बात ही अलग है, तब तो ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? देखिए, क्राइम का ही जो है आपको पता है कुछ गलत करना, ठीक है, पर साइबर का जब आप साथ ले लेते हो किसी चीज़ को गलत करने में, कुछ भी आप गलत कर रहे हो और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, कंप्यूटर्स इंक्लूड हो गए हैं, फोन इंक्लूड हो गए हैं, नेटवर्क्स इंक्लूड हो गए हैं, और उनकी सहायता से या फिर उनको इंक्लूडिंग में करके जो है आप क्या कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, उसको कहा जाता है साइबर क्राइम। जैसे एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम। कोई भी ऐसा क्राइम, कोई भी ऐसा गलत काम जिसमें आप कंप्यूटर को इन्वॉल्वमेंट लाते हो और नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट लाते हो, उसको कहा जाता है कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम बोलो या कंप्यूटर क्राइम बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर एग्ज़ाम में कभी आ गया कि शॉर्ट नोट लिखिए ऑन कंप्यूटर क्राइम, इसका मतलब है कि ये साइबर क्राइम के बारे में डिस्कशन हो रही है। दीज क्राइम्स हैव बिकम अ थ्रेट टू इंडिविजुअल प्राइवेसी वेयर confidential data of individuals' identity or photos and videos etc. is stolen or intercepted by the attackers। यानी कि ऐसे इस क्राइम्स में क्या होता है, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की जो प्राइवेसी होती है उस पर जो है थ्रेट किया जाता है, उस पर जो है एक वार किया जाता है, जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, बहुत ही उनका जो है प्राइवेसी वाला डाटा है, उसको क्या किया जाता है, एक तरीके से कई जगह लीक कर दिया जाता है। उनकी जो आइडेंटिटी होती है, उनकी पर्सनल या उनकी फोटोज या उनकी वीडियोस, उसको जो है यूज किया जाता है, उसको जो है चुरा लिया जाता है, और बाय किसके द्वारा किया जाता है, ये अटैकर्स के द्वारा। तो ये सारा आपका साइबर क्राइम में इंक्लूड होता है। अब साइबर क्राइम कितने प्रकार के हो सकते हैं? जो सबसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ये वो टाइप्स हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी बुक्स में दिखे तो ऑब्वियसली वो भी इंक्लूड होंगे, उनको भी आप लेकर के चलिएगा। यहाँ पे जो पहला अटैक है वो है सलामी अटैक, मतलब अटैक जहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनेंशियल गेन के लिए कुछ चीजें की जाती हैं। मैंने जो है कुछ ऐसे तरीके पे आजमाई अपना कंप्यूटर और नेटवर्क को यूज करके ताकि मुझे फाइनेंशियल गेन हो सके और जो है सामने वाले पर्सन को लॉस हो जाए और उसका पैसा मुझे मिल जाए या उससे जो है मुझे प्रॉफिट हो जाए, मुझे फाइनेंशियल गेन हो जाए, तो उसको कहा जाता है सलामी अटैक। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो अमाउंट होता है वो इतना छोटा होता है कि वो अननोटिस रह जाता है। मान लो आपने किसी आप कुछ कर रहे हो, गलती से आपने 400-500 रुपए किसी को दे दिया। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप जाकर के रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे क्योंकि आपके लिए ये अमाउंट बहुत छोटा है। तो ये क्या है, अननोटिस रह जाएगा कि ऐसा कोई क्राइम हुआ है। और आज के टाइम में ऐसा होता भी है, कई जगह पे बहुत सारे जो है क्राइम्स जो है इस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं और वो छोटे अमाउंट में होते हैं, इसलिए लोग उसको जो है इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर सलामी अटैक क्या होता है, ऐसा अटैक जो कि किया जाता है ताकि फाइनेंशियल गेन हो सके, और साथ ही साथ ये बहुत छोटे अमाउंट में होता है जिसके कारण ये अननोटिस रह जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि मैंने सपोज आपकी जो है फोटोज़ उठा ली, मैंने जो है एक न्यू इंस्टा या फेसबुक आईडी बना ली और मैं किसी व्यक्ति से चैट कर रही हूँ ये शो करके दैट मैं आप हूँ, यानी कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो आपकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी ने किसी की आइडेंटिटी चुरा ली है यूजिंग योर नेटवर्क एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर और नेटवर्क का यूज़ करके आपने किसी की आइडेंटिटी चुराई है जो कि क्राइम है। जैसे कि अपने तारक मेहता का अगर आप शो देखते हो तो उसमें एक बार ऐसा
सिनेरियो आया था कि पोपटलाल से किसी एक लड़के ने लड़की बन के जो है बात की थी, उसने क्या हुआ था उसकी आइडेंटिटी चुरा रखी थी, उसकी फोटोज लगा रखी थी और वो बात कर रहा था। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं वो व्यक्ति हूँ, वो लड़की हूँ। तो ये क्या है, ये एक साइबर क्राइम का पार्ट है, जो एक तरीका है जिसमें क्या होता है आइडेंटिटी चुरा ली जाती है, पहचान चुरा ली जाती है। इट इज़ यूज व्हेन अ पर्पस परपोर्ट्स टू बी सम अदर पर्सन। ये क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आप बता दिखाना चाहते हो कि मैं वो वाला व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट इज स्पैम एंड फिशिंग। स्पैम का मतलब और फिशिंग यहाँ पे दो अलग अलग थोड़ा सा है, अलग चीज़ है। स्पैम क्या होता है, स्पैम मतलब मान लो आप अपना जो है कंप्यूटर खोलो, मैसेज खोलो, आपको बार 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 वही सेम जो है मैसेजेस आ रहे हैं, कंपनी के द्वारा हो गए या किसी के द्वारा हो गए कि आप आइए हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, ये कीजिए, फलाना कीजिए, वो क्या है, वो स्पैम है। जैसे आपने कई बार देखा होगा अगर आपको कोई कंपनी की कॉल आती है, क्रेडिट कार्ड की कॉल आती है या ऐसी कॉल आती है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने ट्रूकॉलर या कुछ ऐसी ऐप्स इंस्टॉल कर रखी हैं जिससे आपको पता चल सके कौन कॉल कर रहा है, तो वहाँ पे स्पैम लिखा हुआ आता है, क्योंकि ये वो दिखाना चाहते हैं कि ये वेस्ट है, ये इससे कोई आपको वो नहीं मिलने वाला, स्पैम कॉल है, स्पैम चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से ऐसा आपके साथ हो सकता है, कंप्यूटर और नेटवर्क का यूज़ करके आपको स्पैम मैसेजेस आ रहे हों या फिर आपको मेल्स आ रहे हों। सो टू वेरी कॉमन फेमस फॉर्म ऑफ टू वेरी कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स। स्पैम इज़ बेसिकली अनवांटेड ईमेल एंड मैसेजेस। स्पैम क्या है, अनवांटेड ईमेल एंड मैसेजेस हैं। वहीं फिशिंग का मेथड क्या है, फिशिंग का मेथड ऐसा है जहाँ पे आपको जो है एक तरीके से फिशिंग फिश किया जाता है, जैसे कि आपके लिए दाना डाला जाता है ताकि आप उसमें आओ, तो आपको कुछ मेल करके या मैसेज करके ऐसा दिखाया जाता है कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको हमें जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग इज़ अ मेथड वेयर आर साइबर क्राइम ऑफर्स अ बेट सो that you take it and give out the information they want. Just take an example of Tarak Mehta also. उसमें क्या हुआ था, एक बार भीड़ी की सिचुएशन में यही हुआ था, उसको एक मेल आया दैट हम जो है लॉटरी दे रहे हैं कोई इंग्लैंड विंग्लैंड की महाराजा महारानी वाले, और उसके लिए जो है आप चुने गए हो, तो वो क्या होते हैं खुश हो जाते हैं, और उनको जब बोला जाता है कि अभी हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपके अकाउंट में, तो हमें जो है आपके अकाउंट की डिटेल दीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपसे कुछ चार्जेस लेने पड़ेंगे तो वो दीजिए। तो ऐसे क्या होता है, ये फिशिंग होती है, आप फंसते जाते हो और उसमें आप जो है कुछ डिटेल्स या पैसे देते जाते हो। स्कैम्स, स्कैम्स क्या होता है, ऐसा जैसे कि स्कैम्स हो गया, लेट्स टेक एग्जांपल, एक फ़ोन आया था कि 251 में आप जो है फ़ोन बुक कर लीजिए, वैसे ही सपोज़ अगर ऑनलाइन कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि आप ये कर लीजिए और ये कर लीजिए, अब हम क्या करेंगे, भर भर के उसको पैसा दे देंगे और वो लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ स्कैम। तो स्कैम वेयर मिस यूज द माइक्रोसॉफ्ट नेम एंड अदर जनरल टेक सपोर्ट स्कैम, स्कैमेस्टर फोन कंप्यूटर्स यूजर्स रैंडमली एंड ऑफर टू फिक्स देयर कंप्यूटर फॉर अ फ्री फी। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, कई बार क्या होता है स्कैम में कि कोई लोग ना आपके कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा मिसयूज़ कर दे और उसमें क्या है ये दिखा दे कि उसमें जो है वायरस आ गया है, कुछ इश्यूज आ गए हैं, और फिर कहेंगे कि हम ठीक कर देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए, ये भी क्या है, स्कैम है। ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग यानी कि इतना मेल आना, तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जस्ट आपने कोई साइट विजिट कर दी और वहाँ पे अगर अपना ईमेल एक ड्रॉप कर दिया तो भैया आपकी ईमेल पे जो है झड़ियाँ लग जाएंगी उसके ईमेल की, उस आपके जो है इनबॉक्स में झड़ियाँ लग जाएंगी। सो मींस सेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ ईमेल टू अ विक्टिम कॉजिंग द विक्टिम्स मेल अकाउंट और मेल सर्वर टू क्रैश, यानी कि इतने मेल भेज देना, हज़ारों मेल भेज देना ताकि जो भी व्यक्ति जो विक्टिम है उसका मेल अकाउंट क्या हो जाए, एक तरीके से उसका ख़राब हो जाए, उसको इश्यूज आ जाए और उसका सर्वर क्रैश हो जाए। तो इतना ज़्यादा ईमेल भेजना, तो वो कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। आज के टाइम में आने वाले समय में जो है ये जो आप देखोगे, अभी तो जैसे रूस और यूक्रेन में एक लड़ाई जुड़ी हुई है, आने वाले कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये जो लड़ाइयाँ होंगी ये सारी नेटवर्क और कंप्यूटर के बेसिस पे होंगी। इसलिए अगर आपको जो है लाइफ में आगे जा करके कुछ देखना है कि यार कौन सा करियर चूज़ करें, तो मुझे लगता है ये करियर आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। कई कंट्रीज़ ने तो अपनी साइबर आर्मी भी बना ली है, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय में जो है साइबर अटैक्स होंगे, ना कि इस तरीके के अटैक होंगे कि गन और बारूद लेकर के जो है सेनाएं लड़ेंगी, नहीं बल्कि कंप्यूटर के थ्रू ही सब लड़ाइयाँ होंगी। तो ईमेल बॉम्बिंग क्या है, जो एक्चुअल बॉम्बिंग आपकी होती है इन योर वॉर, उसकी तरह ही आपका नेटवर्क पर एक बॉम्बिंग हो रहा है ताकि आपका सर्वर क्रैश हो जाए। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी गैम्बलिंग के जो है
गेम्स आ गए हैं उनकी एडवर्टीजमेंट भी आती है, और एडवर्टीजमेंट के एंड में कहा भी जाता है कि ये एक ऐसा खेल है जहाँ पे आपको वित्तीय घाटा हो सकता है, तो कृपया थोड़ा सोच समझ के और अपने दिमाग के साथ खेले, या कुछ ऐसी लाइनें बोलते हैं। तो वो क्यों बताते हैं? वो बताते हैं कि ये गैम्बलिंग होती है, और अगर आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो जाए, कुछ आप लॉस कर लो। और उसी तरीके से ये तो हो गई थोड़ा ऑथराइज, आपको पता है किसके द्वारा जो है ये गैम्बलिंग कराई जा रही है, किसके द्वारा ये गेम चलाए जा रहे हैं। पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहाँ पे आपको दिख गई ये गेम है, गैम्बलिंग का गेम है, बट यू डोंट नो कि इसके पीछे कौन है, कौन इसको चला रहा है, कोई सोर्स कौन सा है। तो वहाँ भी आप क्या करते हो, पैसे लगा देते हो और वो लेकर के अफरफू चक्कर हो जाते हैं, या फिर वो गैम्बलिंग में आप खो देते हो। तो दैट इज़ व्हाट ऑनलाइन गैम्बलिंग। साथ ही साथ जो आपकी क्रेडिट कार्ड की उसमें आप डिटेल्स डालते हो, उसमें भी आपको जो है नुकसान हो जाता है। गैम्बलिंग ओवर द इंटरनेट इज़ अ वायलेशन ऑफ मैनी लॉ। अब क्या है, कई जगह तो आप देखोगे ना, कई कंट्रीज में वहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो लॉ के ही खिलाफ है। वहाँ लॉ बना हुआ है कि आप ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं करा सकते, तो वो तो लॉ के ही खिलाफ है। बिकॉज द गैम्बलिंग सर्विस प्रोवाइड रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर गैम्बलिंग थ्रू द यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज योर साइबर ट्रेस पास, यानी दिस इज हैकिंग फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क विदाउट परमिशन। यानी कि किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में घुसना, उसके नेटवर्क में घुसना उसकी परमिशन के बिना, तो ये होता है साइबर ट्रेस पास, यानी कि उनके नेटवर्क में आप घुस जाओ और फिर उससे जो भी आप चाह रहे हो कर लो, तो वो होता है आपका साइबर ट्रेस पास। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इंस्ट्रूशन। ठीक है, इट इज़ एन मैलिशियस एक्टिविटी दैट हार्म्स अ कंप्यूटर और कॉज अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क टू वर्क इन अनएक्सपेक्टेड मैनर। देखो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, किसी भी कंप्यूटर के जो है एक्टिविटीज़ में आपने जो है एक तरीके से हार्म कर दिया है उसकी एक्टिविटी को, और साथ ही साथ कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको अनएक्सपेक्टेड मैनर में काम करा रहे हो। ठीक है, आपने किसी के कंप्यूटर को हार्म कर दिया है तो उसका नेटवर्क पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट इज़ योर कंप्यूटर इंस्ट्रूशन। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस DOS अटैक। अब देखो कई बार आपने देखा होगा कुछ आपको पता चलता है कि इस फलाने कंपनी की वेबसाइट हैंग हो गई, या इस कंपनी की वेबसाइट हैक हो गई, तो और वो काम नहीं कर पा रहे, सर्विस नहीं कर पा रहे, तो यानी कि वो सर्विस देने से आप डिनायल कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है उसमें इशू हो गए हैं। नॉर्मली ये डिनायल ऑफ सर्विस जो अटैक होता है दैट ये होता है वेबसाइट्स के ऊपर जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या सामान वामान बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपनी सर्विस नहीं दे पाएंगे। सो डिनायल ऑफ सर्विस, दिस टाइप ऑफ अटैक इंटेंट इज़ टू मेक रिसोर्सेज ऑफ सर्विस अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूज़र। यानी कि ऐसा अटैक कर देना जिससे उस सर्विस के जो यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ ना कर पाएँ, उनके लिए अनअवेलेबल हो जाए। दीज आर यूजुअली कैरिड आउट ऑन वेबसाइट टू स्टॉप देम फ्रॉम फंक्शनिंग। यूजुअली ये कब होता है, ये वेबसाइट्स के ऊपर होता है ताकि उनकी फंक्शनिंग को रोका जा सके। एंड योर लास्ट वन इज़ योर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है, पोर्नोग्राफी इज समथिंग दैट इज़ अ सेक्शुअल कंटेंट जो आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हो विदाउट परमिशन ऑफ द अदर पर्सन, या उसके हालांकि परमिशन भी हो तो ये चीज़ें सही नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, परमिशन के बिना या उसको जो है थ्रेटन करके जो है आपने क्या किया, वो चीज़ें अपलोड कर दी, उनका जो है कंटेंट अपलोड कर दिया, वो हो जाता है पोर्नोग्राफी। अब वहाँ पे आप चाइल्ड को भी इंक्लूड कर रहे हो, किसी एक बच्चे को जो कि अंडर एज है और उसका पोर्नोग्राफी कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू क्रिएट डिस्टर्ब और एक्सेस मटेरियल दैट सर्वल एक्सप्लोर अंडर एज चिल्ड्रन। यानी कि कुछ ऐसा करना कंप्यूटर नेटवर्क्स में, या क्रिएट करना, या उनको किसी ऐसी चीज़ों का एक्सेस या मटेरियल जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स में प्रोवाइड करवा देना, बाहर प्रोवाइड करवा देना, जो कि एक्सप्लोर करता है अंडर एज चिल्ड्रंस को, यानी कि अंडर एज चिल्ड्रंस के साथ जो है गलत काम हो रहा है। इनके अलावा भी कुछ आपके और पॉइंट्स आते हैं जो मुझे अभी दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि एक होता है स्टॉकिंग करना, ऑनलाइन स्टॉकिंग। ऑनलाइन स्टॉकिंग इज़ व्हाट, दैट इज़ कि कोई व्यक्ति जो है आपकी इंस्टाग्राम आईडी है वो बार बार स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आपकी आपकी दिनचर्या में क्या हो रहा है। आपको बहुत शौक है अपना डेली जो है लाइव आने का, चीज़ें करने का, पोस्ट करने का, और वो व्यक्ति उसको देखे जा रहा है विद अ रॉन्ग इंटेंशन, ताकि उसको और गलत तरीके से यूज़ कर सके या समथिंग। तो वो क्या होती है, स्टॉकिंग होती है। स्टॉकिंग अगर आप नॉर्मल स्टॉकिंग की बात करें तो जैसे लड़कियों के पीछे लड़के जा रहे हैं, या फिर लड़कों के पीछे लड़कियाँ जा रही हैं उनको परेशान कर रही हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो वहाँ पे क्या है, स्टॉक किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ तू वहाँ वहाँ मैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो उस सिचुएशन में उसको क्या कहा जाता है, स्टॉकिंग। और जब ये चीज़ें ऑनलाइन होने लग जाती है तो उसको कहा जाता है ऑनलाइन स्टॉकिंग, ठीक है। तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, आपके बुक्स में आपको दिख सकता है ये पॉइंट। इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मुझे और कोई ज़्यादा याद आ नहीं रही है। तो इतना ही आज के इस वीडियो के लिए,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।